किन्नौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा, जबकि लोकसभा चुनाव मोदी और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर लड़ा गया था। वहीं उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज दिन हत्या, डकैती, अपहरण और बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार में हर वर्ग दुखी और परेशान है। आज इस सरकार से हर वर्ग है, परेशान है, चाहे वो किसान है, चाहे गरीब आदमी मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, उनके बारे में टिप्पणी नहीं करता। लेकिन एक बात साफ है, ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार जो हरियाणा में है, ये सरकार जितना अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में आज किया उनको अपनी सरकार कह रही थी, लोगों का हित कह रही नहीं था। कोई रवैया नहीं कि सरकार चल रही है और कहीं भी कामयाबी का नजर नहीं आया। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, कानून व्यवस्था की जो है चरमरा गया है।